हेलो गाइज, वेलकम टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से वर्डप्रेस और वूकॉमर्स यूज करके आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। जो डिजाइनर भाई हैं और इंजीनियर्स भाई हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं वेबसाइट बनाने इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप घर बैठे खुद के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सके, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। चलो फिर मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको वेबसाइट बनाना है और कौन कौन से टूल्स आपको लगेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये वेबसाइट बनाया है, खासकर ये डिजाइन को ध्यान में रखते हुए बनाया हूं, तो इस तरह से आप भी अपना वेबसाइट बना सकते हैं। आप कौन सा प्रोडक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, आप उसको रियलिटी में लाना चाहते हैं या फिर सिर्फ डिजाइन ही आपको बेचना है, कौन सा डिजाइन आपको बेचना है वो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 4 टेम्पलेट बनाए हुए हैं। ये जो भी टेम्पलेट या आप डिजाइन बनाते हैं वो कस्टमर के ध्यान में रखते हुए बनाइए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ फार्मा से रिलेटेड मैंने ये वेबसाइट बनाया है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ आइडेंटिकल लेआउट। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ड्राइंग दिख रहा है, ये टेम्पलेट है। इस तरह से मेरा टेम्पलेट जाने वाला है डिजाइन का। यहाँ पे अलग अलग पैक्स हो सकते हैं। यहाँ पे जब भी वो कस्टमर ऑर्डर देगा उसके ऊपर ये पैक चेंज होंगे, डिजाइन चेंज होंगे। तो इस तरह से आपको काम करना है। जैसे कि आप प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो आप कस्टमर से क्या डिमांड कर सकते हैं और कस्टमर आपको क्या क्या दे सकता है, उसके हिसाब से आपको ये फॉर्म बनाना है। ये फॉर्म किस तरह से बनाना है मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। किस प्लगइन का यूज करना है वो भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे फार्मा कंपनीज में अलग अलग पैक डिजाइन्स होते हैं, तो वहाँ पे पैक डिजाइन करके लेआउट बनते हैं, तो ये लेआउट्स का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। इस फॉर्मेट में आप कस्टमर से, जैसे कि कस्टमर के पास कौन से मशीन है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं मशीन। उसके बाद यहाँ पे कौन से मटेरियल में चाहता है वो पैक डिजाइन करने के लिए, वहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3D आइडेंटिकल लेआउट रिक्वेस्ट। यहाँ पे सपोज कि अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी लेआउट है 2D में है, वो चाहता है कि 3D में लेआउट बन के जाए, लुक वाइज अच्छा दिखे, तो इस तरह से आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस तरह से फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है एडिशनल चार्जेस। जैसे कि अगर बेसिक में अगर क्लिक करेगा बंदा तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, जिसमें एक पूरा लेआउट चेंज करने का परमिशन देता है और 3 रिविजन्स करने का परमिशन देते हैं। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, देखिए सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं हाईलाइट्स में। उसके बाद जैसे कि मशीन में कौन सा मॉडल उसको चाहिए, उसके बाद मटेरियल कौन से चाहिए, पे अपलोड कंपनी लोगो दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोगो जो होता है कंपनी का लोगो जाना चाहिए, हमारा लोगो नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम कस्टमर्स और लोगो का डिमांड करेंगे। यहाँ पे सिंपली ब्राउज करके अपना जो भी लोगो है, जो भी कस्टमर सबमिट करेगा यहाँ पे, तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद अपलोड रेफरेंस लेआउट। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि 3D आइडेंटिकल लेआउट रिक्वेस्ट है, तो मतलब ऑलरेडी 2D लेआउट उनके पास रहेगा तो उनको 3D में करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे उनसे जो भी लेआउट है उनके पास वो भी अपलोड करा लीजिए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अभी सपोज कि कुछ भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से हमको टेम्पलेट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे नोट में आप नोट भी डाल सकते हैं, जैसे कि यस आई वांट एग्जैक्टली आइडेंटिकल लेआउट एज पर रेफरेंस लेआउट। तो यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे फील्ड इज रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पे सेट करके रखा है, अलग अलग यहाँ पे हर एक के आगे मैंने सेट करके रखा है फील्ड इज रिक्वायर्ड। कोई भी पर्सन रहेगा बिना फिल किए आगे नहीं जा सकता। जैसे कि अभी मैं ट्राई करता हूँ बिना फिल किए, यहाँ पे ऐड टू कार्ड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे बैक आ गया, वापस से बोल रहा है फील्ड इज रिक्वायर्ड। सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ और यहाँ पे नहीं करता हूँ, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए बैक आ गया। कस्टमर को ये पूरा डेटा फिल करना पड़ेगा। कस्टमर जब पूरा डेटा फिल कर लेगा यहाँ पे ऐड टू कार्ड करेगा। ऐड टू कार्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा ऐड टू कार्ड हो चुका है। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करते ही यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन पेज पे लेके आया, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है यहाँ पे, देखिए रजिस्टर या लॉगिन। तो आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर कीजिए, अगर नहीं करना है तो डायरेक्टली लॉगिन विद OTP कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली अपना कंट्री का कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। गूगल का फायरबेस का यूज करके यहाँ पे लॉगिन मैंने बनाया हुआ है। ये सब सारी चीजें मैं आपको जल्दी बताऊंगा किस तरह से आपको करना है। देखिए मेरा OTP आ चुका है, यहाँ पे मैं इंटर करूंगा 3473, सबमिट करता हूँ। जैसे ही सबमिट किया हमने, यहाँ पे देखिए लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे देखिए नाम आ गया है देवेंद्र। करेंसी को चेंज करना है,
जैसे कि करेंसी इसलिए चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी इंडिया का करेंसी है, इसके लिए यहाँ पे एपीए यूपीआई क्यूआर कोड आ रहा है। अगर ये बाहर देश से कोई एक्सेस कर रहा होता तो यहाँ पे पेपल का ऑप्शन आता था, ठीक है, तो डायरेक्टली पेपल सेलेक्ट होके आता था, यहाँ पे पेपल से डायरेक्टली कोई भी पेमेंट कर सकता था। तो इस तरह से आप एक पूरा का पूरा एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं और पूरा का पूरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन का ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जिनका आप डिजाइन बेच सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेज हो, जिस फील्ड में आपने काम किया हो उस फील्ड का आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है, वो पूरा आप ही डिसाइड करेंगे कि किस तरह का डिजाइन आपको करना है। जैसे कि ऑर्डर कस्टमर ने कर दिया और वो चाहता है कि मेरा जो भी डिजाइन है उसका रिवीजन होना चाहिए और उसमें कुछ मिस्टेक्स निकले हैं, तो कस्टमर चाहता है आप रिवीजन करें, तो वो किस तरह से वर्क होना चाहिए, तो आगे मैं बताता हूँ कि कौन से प्लगइन का यूज करके आप कस्टमर से वो अप्रूव करा सकते हो या फिर रिजेक्ट करा सकते हो। तो कस्टमर अप्रूव करेगा तभी आपका पूरा ऑर्डर कम्प्लीट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 रिवीजन था, तो 3 रिवीजन का हम वहां पे सेटअप करेंगे कि 3 रिवीजन के बाद वो रिवीजन ना दे सके। पहला तो कस्टमर किस तरह से हमारा लेआउट रिजेक्ट करेगा और हम फिर से उसको अपडेटेड लेआउट किस तरह से देंगे, और उसके बाद वापस से सेकंड टाइम कस्टमर रिव्यू करेगा और फिर से रिजेक्ट करेगा और वापस से हम उनको लेआउट देंगे, ये प्रोसेस किस तरह से होना चाहिए और हमको मेल भी आना चाहिए, हमको नोटिफाई भी होना चाहिए, रिटर्न भेजा है हमको, हमको रिवीजन करना है तो हमको मेल में आना चाहिए। चलो फिर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्लगइन का रिक्वायर्ड हमें होगा इस वेबसाइट डिजाइन के लिए। अब कुछ थोड़ा सा हमको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ भी दोनों प्लगइन है, वो दोनों के दोनों पेड है। दोनों प्लगइन कहाँ से डाउनलोड करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलो फिर अभी मैं इन दोनों प्लगइन को एक्टिवेट करता हूं। यहां पे सिंपली यहां पे मैं ऐड करता हूं, ऐड न्यू करने के बाद यहां पे अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है। यहां पे मैं सबसे पहले WooCommerce रिव्यू अप्रूवल का प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूं, इंस्टॉल। यहां पे एक्टिवेट करेंगे इसको, उसके बाद यहां पे वापस से ऐड करेंगे, अपलोड प्लगइन करेंगे, उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा फॉर WooCommerce उसको भी ऐड करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से एक्टिवेट करेंगे। मैं फिलहाल आज एक ही प्लगइन यूज करके बताऊंगा इन डिटेल में, और बाकी दूसरा जो प्लगइन है प्रोडक्ट एड ऑन, इसको मैं बाद में कवर कर लूंगा। यहाँ पे किस तरह से आपको फॉर्म बनाना है, किस तरह से आपको ऐड करना है सारी चीजें, और मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से अप्रूवल प्रोसेस वर्क करता है और ऐड ऑन किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए मेरा एक प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन कर लूँगा, एडिट। एडिट करने के बाद सिंपली चले आएंगे नीचे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड ऑन में, जो कि मैंने बोला था कि 2 प्लगइन लगते हैं, वो प्लगइन में से एक प्लगइन ये भी है, तो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ फील्ड्स मैंने भरे हुए हैं। यहाँ प्रिंट्स वाले टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे अलाउ मल्टीपल अपलोड्स एंड रिव्यू वर्क फ्लो, ये वाला चेक होना चाहिए, तभी हमारा जो डिजाइन है रिव्यू के लिए जाएगा कस्टमर को, अदरवाइज वहाँ पे ऑप्शन नहीं शो करेगा हमारे जो प्रोसेस पेंडिंग और जो भी हम अप्रूवल देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चेकआउट करके रखना है, उसके बाद सिंपली हम करेंगे यहाँ पे अपडेट। देखिए मैं कस्टमर के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पे हम किसी एक लेआउट को ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे एक इसको कर लेते हैं 3D लेआउट। यहाँ पे मशीन मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके डिजाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमर फिल करेगा। यहाँ पे ब्राउज करके कोई दे देता हूँ, यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ फास्टली, सब कुछ सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिंपली ऐड टू कार्ट करेंगे, देखिए हमारा ऐड टू कार्ट हो गया। यहाँ पे सिंपली चेकआउट करेंगे, चेकआउट आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको कुछ डिटेल्स, यहाँ पे देखिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल के रखा हूँ, यहाँ पे चेकआउट करना पड़ेगा, जैसे कि ड्राइंग 24 घंटे में मिलेगा आपको, पेमेंट नॉट रिफंडेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं, वो सब मैं बता दूंगा किस तरह से करना है। यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट करेंगे, जैसे ही प्रोसीड पेमेंट करेंगे देखिए मेरा जो QR कोड आ चुका है स्कैन करने के लिए, सिंपली मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। मैं अंदर से अभी अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ, वहाँ डैशबोर्ड से इसको अप्रूव करता हूँ।
यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखेंगे 19 सेकंड पहले पेमेंट पेंडिंग पेमेंट करके आ रहा है, इसको अप्रूव करता हूँ। यहाँ पे पेंडिंग के जगह पे प्रोसेसिंग करता हूँ, जैसे प्रोसेसिंग करूँगा तो मुझे एक मेल आ जाएगा, ऑलरेडी एक मेल आया रहेगा यहाँ पे और इसके डैशबोर्ड में, कस्टमर के डैशबोर्ड में ये देखिए ब्लिस्टर पैक ऑर्डर हैज़ बी रिसीव्ड करके यहाँ पे मेल आया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से हम यहाँ पे आ जाएं, जैसे मैं प्रोसेसिंग किया तो यहाँ पे देखिए एक टैब ऑन हो गया जिस पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं रिव्यू के लिए डाल सकता हूँ, जैसे कि मुझे ये डालना है यहाँ पे APNG डालना है या फिर कोई भी फाइल आप PDF फाइल डाल सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रोसेसिंग के जगह पे वेटिंग फॉर कस्टमर रिव्यू करेंगे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। ये अपडेट होने के बाद है ना, यहाँ पे आपको एक कस्टमर के ईमेल पे एक मेल आएगा, ये देखिए योर कस्टमाइज प्रोडक्ट इज रेडी टू रिव्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप क्लिक करके भी आप लॉगिन हो सकते हैं, यहाँ देखिए आ गया यू हैव फॉलोइंग ऑर्डर वेटिंग फॉर रिव्यू। यहाँ पे ये जो ऑर्डर नंबर है 3180 इसका रिव्यू के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए मेरा जो रिवीजन है फर्स्ट वाला यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मुझे ये ड्राइंग ओके लगा तो अप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट रिवीजन कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं पॉइंट डाल देता हूँ चेंज डायमेंशन 20 to 10, सेकंड पॉइंट चेंज 10 to 5, ऐसा करके आप ढेर सारा यहाँ पे आप डाल सकते हैं सारी चीज़ें, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल, अगर जो कस्टमर है उसके पास कुछ रेफरेंस है तो यहाँ पे वो रेफरेंस को भी अपलोड कर सकता है, जैसे कि ये वाला मैं यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे डालता हूँ। उसके अलावा ऐड लिव करके और भी फाइल मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डाल देता हूँ, होस्टिंगर लोगो डाल देता हूँ। यहाँ पे सेंड फीडबैक फॉर रिवीजन, जैसे मैं यहाँ पे सेंड फॉर रिवीजन करूँगा जो एडमिन रहेगा उसको एक मेल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेल, ये देखिए मेल आ भी गया। यहाँ पे देखिए मटेरियल रिजेक्टेड बाय कस्टमर करके आ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि लॉगिन करके आप देख लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे वापस से अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पे रिप्रेस में करूँगा तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे रिप्रेस करने के बाद देखिए कस्टमर कमेंट आ गए, यहाँ पे चेंज डायमेंशन 20 to 10 और चेंज डायमेंशन 10 to 5 यहाँ पे आ गए, और थर्ड एंड फोर्थ मैंने ऐसे ही डाला था तो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे उसके साथ साथ जो उसने रेफरेंस दिया था वो भी यहाँ पे विजिबल है, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे रिजेक्टेड बाय कस्टमर हो गया, जबकि अभी हम लोग ने क्या किया था, वेटिंग फॉर रिव्यू कस्टमर रिव्यू बोला था, तो यहाँ पे रिजेक्टेड बाय कस्टमर किया, तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा, वेटिंग फॉर कस्टमर रिव्यू करना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब वापस से हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग हम अपलोड करके उनको देंगे। देखिए मेरा ड्राइंग अपलोड हो गया एज ए इमेज, उसके बाद यहाँ पे वेटिंग फॉर कस्टमर हमने किया है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। और अगर आपको कुछ नोट डालना है तो नोट भी डाल सकते हैं, ये नोट डायरेक्टली मेल में जाएगा कस्टमर के, और यहाँ पे आप सिंपली अपडेट करेंगे। यहाँ पे अपडेट करते ही यहाँ पे देखेंगे एक मेल आया रहेगा, ये देखिए वी हैव न्यू मटेरियल फॉर रिव्यू, यहाँ पे एक वापस से मेल आ गया कि यहाँ न्यू मटेरियल रिव्यू के लिए। उसके बाद वापस से अगर हम जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर सेक्शन में, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया रिव्यू के लिए, यहाँ पे सिंपली रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा इमेज आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है 1 और 2, आप जो भी यहाँ पे नाम देंगे वैसा विजिबल होगा, जैसे Revision 1, Revision 2 ऐसा डाल सकते हैं आप फाइल का नाम, उस हिसाब से यहाँ पे वो कस्टमर सेलेक्ट कर लेगा Revision 1, Revision 2। यहाँ पे सिंपली अप्रूव कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे फिर से रिक्वेस्ट डाल सकता है सेकंड नंबर का, देखिए सेकंड आउट ऑफ 3 मैक्स बोला है, तीसरी के बाद वो नहीं कर सकता। ठीक है, आप यहाँ पे 3 को बढ़ा भी सकते हैं सेटिंग में जाके, ठीक है सेटिंग
WooCommerce सेटिंग में जाएंगे। WooCommerce सेटिंग में जाने के बाद देखिए यहाँ पे रिव्यू एंड अप्रूव का है ऑप्शन, यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी 3 है, यहाँ पे आप और भी बढ़ा भी सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है, इस तरह से काम करता है। उसके बाद जैसे ही आप कस्टमर यहाँ पे सिंपली ये अप्रूव करता है, ये देखिए अप्रूव, ये देखिए ये ऑर्डर क्लोज हो गया है, पूरी तरह से ये ऑर्डर क्लोज हो गया, मतलब ये सक्सेसफुली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपको करना क्या है अभी, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश मैं करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सिर्फ करना ये है, सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करके यहाँ पे अपडेट कर देना है, और अगर उसको ड्राइंग का एक्सेस देना है तो यहाँ पे लिंक देके आप ड्राइंग का एक्सेस ग्रैंड कर दोगे तो उसको लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिंक ऐड करके ग्रैंड एक्सेस कर दूंगा तो उनको डैशबोर्ड में ही डाउनलोडिंग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, इस ऑर्डर के लिए। यहाँ पे सिंपली मैं अपडेट कर देता हूँ तो ये ऑर्डर पूरी तरह से ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा, ड्राइंग रिवीजन से लेके अप्रूवल तक का सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये दोनों प्लगइन एक ही कंपनी ने बनाया है, का नाम है प्लगइन रिपब्लिक, तो आप यहां से भी जाकर डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। गाइज अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।